लोकसभा 2019 को लेकर चुनावी बिगुल बजते ही पुलिस ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है, जिसको लेकर जनपद शामली में एडीजी प्रशांत कुमार ने चुनाव के दौरान रुकने वाली फोर्स के रहन सहन की व्यवस्था से लेकर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की व्यवस्था का दौरा किया। एडीजी ने चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने का आश्वासन दिया और साथ ही कहा कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। क्या नाम है? सहाना। कौन बोल रहे हैं? कहाँ पर रहती हो? अठारह जी अठारह में ससुराल है। अठारह में ससुराल में। कब आई थी आप अपने यहाँ पर? मैं मुझे एक महीना हो गया। तो ऐसी क्या बात हुई जो आपकी बहन ने कोई ऐसे समाज में दिखाई थी जो मौत हो? मैं कह रही तू मेरे सिर में दर्द हो रहा, मैं कह रही तू पका ले। वो कह रही मैंने पकाऊँ, तू ही पका ले। तो उनकी ना पका रही, मैं पका लूँगी। तो मैंने चूल्हे पकाई थी, घर में जाकर लेट गई। पता ना फिर क्या हुआ, छोटा भैया वो बाहर लेट गया, मैं कमरे में अंदर लेट गई, वो अंदर कमरे में लेट गई। कमरे में आपको ऐसे कैसे जानकारी हुई कि हमारी बहन की मृत्यु हो चुकी है? ना कोई जानकारी नहीं। सुबह उठी, सुबह मैं उठी झाड़ू लगाना तब देखा मैंने। अच्छा, कि हम पुलिस भी आई है? पुलिस आई, पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है। क्या कह रही थी? कोई गई कह रही पोस्टमास्टर हुई है मुरादाबाद। क्या वजह है पोस्टमास्टर होने वाले? क्या पता, अब इन्हें पता होगी क्यों कर रहे हैं पोस्टमास्टर। कि कोई जहरीला पदार्थ खाने से हुई आपकी? ना कुछ नहीं देखा ही ना। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी जब देखा। सर, किस तरह की तैयारियाँ चुनाव को लेकर हो रही है? पुलिस किस तरह की तैयारियाँ की है? ये लोकसभा की आने वाले चुनाव हैं, उस संबंध में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं आया हूँ। और जो चर्चा की गई है उसके हिसाब से तैयारियाँ जो समय सारणी निर्धारित है चुनाव आयोग के, उस हिसाब से ही चल रही हैं। और हमारा यही एफर्ट्स है कि निष्पक्ष और पूरे पारदर्शी तरीके से हिंसा रहित चुनाव हो, और इसके लिए हम लोग माहौल बनाएंगे और बहुत पहले से ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके फिर ये डोमिनेशन करेंगे। और जो शांति व्यवस्था भंग करने वाले लोग हैं, अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर सर किसी कराया जाएगा कि जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। सर, अगर किसी तरह से कोई शांति भंग करने की कोशिश करता है, इसमें क्या तैयारियाँ फोर्स ने पहले से की हुई है? उसके बहुत सारे जो ऐसे लोगों को पहचानने की भी प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही है। इसके अलावे जो ऐसे संवेदनशील पॉकेट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावे कुछ क्रिटिकल एरियाज़ भी आइडेंटिफाई की गई हैं। तो सब पे चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई चल रही है ताकि समय रहते सभी पे निगाह रहे और सब पे कार्रवाई हो जाए। गुरुग्राम में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए लड़कियां अब अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहती हैं कि किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े, जिसको देखते हुए सेल्फ डिफेंस सीखने का क्रेज अब लड़कियों में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं गुरुग्राम में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए जगह जगह क्लासेस भी दी जा रही है। हरियाणा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा में महिला कितनी असुरक्षित है। वहीं अपनी सुरक्षा के लिए ये लड़कियां अब ना ही पुलिस पर निर्भर रह सकती हैं और ना ही सरकार से कोई उम्मीद लगा सकती है। अब किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए लड़कियों को अपने आप आत्मरक्षक बनने के सिवा कोई और चारा नहीं है, इसलिए लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं जूडो कराटे की। लड़कियां अब डिफेंस ट्रेनिंग के लिए आगे आ रही हैं। लड़कियों में सेल्फ डिफेंस को सीखने की इच्छा बढ़ रही है और ये बहुत ही अच्छे संकेत है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस महिला को ना ही फिजिकल रूप से मजबूत करता है बल्कि दिमागी तौर पर भी मजबूती के साथ साथ लड़कियों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकता है। वह अब किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए सक्षम है। जूडो कराटे में लड़कियों को हर परिस्थितियों से मुकाबला करना सिखाया जाता है। किसी ने हाथ लगाया तो उसे कैसे निपटा जाए, वहीं किसी ने पीछे से अगर आपको पकड़ा तो उसे कैसे बचा जाए, सब पैतरे सेल्फ डिफेंस फोर्स में सिखाए जाते हैं। वहीं साइबर सिटी में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग फ्री में उपलब्ध कराई जाती है, जहां पर लड़कियों को हर परिस्थिति से निपटने के तरीके बताए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि कब तक घटिया मानसिकता रखने वाले लोगों के चलते लड़कियों को ये सब करना पड़ेगा। क्यों ना लड़कों के लिए ऐसी कोई क्लास लगाई जाए जहां पर उनको इस घटिया मानसिकता को सुधारने के तरीके बताए जाए,
ताकि महिलाओं के प्रति अपराध में कमी लाई जा सके। मेरा नाम टिंकू कुमार है। संगठन चलाते हैं जी? हम युवा शक्ति संगठन चलाते हैं और मैं उस संगठन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे, जिस तरह कितना जरूरी है बच्चों को सेल्फ डिफेंस? सेल्फ डिफेंस की हम बात करें, अगर हमारे पास ऐसी माताएं बहनें और लड़कियां आती हैं स्लम बस्ती से, जो स्लम बस्ती से आती हैं, जो पढ़ नहीं पाती या फिर कहीं ना कहीं समस्याओं से ग्रसित हैं, और उनको हम यहाँ सिलाई सिखाते हैं और सेल्फ डिफेंस के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा आज जरूरी है। मेरा नाम जैस्मिन है, मैं 16 साल की हूँ। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि कराटे कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कराटे एक हमारी लाइफस्टाइल है। हम लोग जैसे रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह हमको कराटे भी करने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली गर्ल्स के लिए कराटे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। वो रात को ढंग से बाहर भी नहीं निकल सकती घर से अपने, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़कियों को ज़रूर और ज़रूर कराटे करने चाहिए। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपने कोई भी आपके साथ अगर छेड़छाड़ करता है ना, तो दबे मत रहो, उसकी तरफ खिलाफ को बोलो कि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और कराटे के हेल्प से आप अपना सेल्फ डिफेंस किसी भी सिचुएशन में आके कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपको कोई चार पांच बंदों ने घेर लिया, तो आपके पास अपने हाथों में इतना बल तो होगा कि आप अपनी उस टाइम अपनी रक्षा कर सकोगे। तो बस मेरा नाम पारुल है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ, और मैं यहाँ पर अभी न्यू एडमिशन लेना चाहती हूँ कराटे के लिए, तो इसीलिए मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छा लगा हमें भी करके। इन्होंने हमें, सर ने हमारे स्कूल में भी आए हुए, उन्होंने बहुत अच्छे से सबको सिखाया है। 3 महीने की इन्होंने भी बच्चों को ट्रेनिंग दी थी, बहुत अच्छे से सिखाया था, और हम भी सीखना चाहते हैं। जरूरी है कि आज के टाइम में इस तरह का? हाँ, सभी को जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उन बाहर निकलेंगे तो उनके लिए सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं, तो उन्हें कोई भी लड़के कैसे भी होते हैं छेड़ने लगते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की की सेफ्टी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो हम सभी चाहते हैं कि लड़की की इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है। इसके लिए फीस देते हैं? नो। ठीक है। पवन कुमार है, मैं गुड़गांव में कराटे ट्रेनर हूँ बच्चों का, और गुड़गांव में जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोरी है, हमने एक बीड़ा उठाया है उन बच्चों को आगे बढ़ाने का। 4 साल पहले मैंने यहाँ पर उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए थे और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था, कुमिते की भी ट्रेनिंग दी है, सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी है, और आज हमारे बच्चे कुछ इंटरनेशनल लेवल तक भी जा रहे हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 साल हमारे नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं। क्या जरूरत पड़ रही है बच्चों को ट्रेनिंग देने की, किसी देश में इस तरह की समस्याएं चल रही हैं? सर, जैसा कि हम आए दिन देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे देश में हर रोज कोई ना कोई रेप न्यूज़ आ रही है। 6 साल की, 6 महीने की बच्ची हो या 6, कोशिश है कि कम से कम इन बच्चों को अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए। क्या कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया कि कुछ छेड़छाड़ हुई हो, उसके बाद कोई कोचिंग लेने आया हो? सर, एक हमारी एकेडमी की लड़की थी श्रुति, जिसको कई लड़कों ने, एक वैन ने किडनैप करने की कोशिश की गई थी पिछले साल दिसंबर मंथ में, वो इस कराटे के बदले थी, बच के निकली थी। तो कैसे बच्चे महसूस करते हैं, और क्या क्या कुछ फीस भी लेते हैं आप? सर नहीं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, और बच्चे बड़ा ही प्राउड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, आगे आने वाला भविष्य उनका सुनहरा होगा। राजस्थान की बालघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के माने तो पकड़े गए आरोपी पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय करौली श्रीमती प्रीति चंद्रा द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें अवैध शराब, अवैध हथियार, स्क्रीनिंग तथा अवैध मूल्यवानों की धरपकड़ अभियान चल रहा है, जिसके तहत कल मन थाना अधिकारी द्वारा जाब्ते को रवाना किया गया। दौरान नाकाबंदी एक व्यक्ति मिला, जिसको रास्ते में रोका व चेक किया, पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा, उसको पुलिस के जाब्ते ने पकड़ा। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रवि टोड़ा भीम बताया, जिसके पास 315 बोर वे 2 जिंदा कारतूस निकले। उक्त व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान के विभिन्न थानों में 1.5 दर्जन से अधिक लूट, चोरी, नकबजनी
धोखा फ्रॉडिंग डकैती के अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में पेश किया जाएगा। यूपी के मेरठ में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। विभिन्न ईश्वर सर, एक परवेश बिहार में अज्ञात बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? हाँ, एक व्यक्ति को वहाँ पर सिर पे वहीं एक ईंट भी पड़ा मिला है, सर पे उसके प्रहार करके उसकी हत्या की जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। वैसे पीएम रिपोर्ट में सारी डिटेल आएगी, उसमें छानबीन की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। चलो, एक बाइक भी बरामद हुई, उससे पता चला कि किसकी बाइक है? वो सारा विवेचना का विषय है, छानबीन इसकी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए CNN पर। तब तक के लिए नमस्कार।